जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डनिंग एंड फार्मिंग टिप्स में। तो चलिए आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल फ्री में ग्रो बैग बनाकर कैसे तैयार कर सकते हैं। ऐसा ग्रो बैग जिसमें आप किसी भी प्रकार की बेल वर्गीय सब्जियां उगा सकते हैं, जैसे कि आपकी लौकी हो गई, कद्दू हो गया, तुरई हो गई, आप सभी प्रकार की सब्जियां उसमें उगा सकते हैं। और ये इतनी बेस्ट क्वालिटी का ग्रो बैग है जिसमें आप कई बार उगा सकते हैं अपनी सब्जियाँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, इतना सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसे कोई बच्चा भी बना सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर ली हुई है ये एक बोरी। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की बोरी है, DAP की, यूरिया की, तो आप वो बोरी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बोरी ली हुई है काफ़ी स्ट्रांग बोरी है। इसमें हमारा जो वीट का सीड आया था खेत में बोने के लिए, तो ये वही बोरी है। इसमें ऊपर से लेयर लगी हुई है पॉलीथीन, पतली पॉलीथीन की, तो ये काफ़ी हमारे धूप से सुरक्षा करेगी और काफ़ी समय तक चलती रहेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करके। तो यहाँ से हम बोरी उधेड़ लेंगे। ये देखिए, हम यहाँ से बोरी उधेड़ लेते हैं। आपको इस तरीके से यहाँ से बोरी उधेड़ लेनी है, देखिए। और इतना सरल तरीका बताऊँगा मैं आपको, जैसे ग्रो बैग आप वाई करते हो उसी प्रकार का बिल्कुल आपका ग्रो बैग बनकर तैयार होगा। गोल ग्रो बैग मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से बनाकर रखा है ग्रो बैग, तो मैं आपको वो वाला दिखाता हूँ। और आपको देखिए, ये बोरी इस तरीके से काट लेनी है। देखिए, आप देख सकते हो साइड से, आपको आप किसी भी चीज़ से काट सकते हैं। आपके पास अगर सीजर है, कैंची है, तो आप उससे भी काट सकते हो। और आपके पास एक शार्प नाइफ हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से ये दो पट निकल आए हैं इसके, आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये पहले से बना कर रखा है यहाँ पर, और आप इसी तरीके का ग्रो बैग कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे समय पर। तो आप देख सकते हो ये ग्रो बैग काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी कड़क पन्नी है। ये DAP बोरी है, पर ये हम अभी बना रहे हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग बोरी है, आप देख सकते हो। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, इस हमने बोरी के दो पार्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको एक सर्कल बनाना है, इससे इसका जो नीचे का सरफेस होता है वो बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप इस सर्कल बनाने के लिए किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको नाप कितना लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस तरीके से गोल कर लेना है। तो इसमें मैंने जो नाप लिया है, तो आपको नाप है 7 इंच लेना है आपको। जैसे यहाँ से ये दूरी हुई 7 हो गई आपकी, जब ये राउंड सर्कल बनेगा तो आपकी 14 हो जाएगी, यानी ये सर्कल आपका 14 इंच का बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है ये गोला, देखिए इस तरीके से। बहुत आसान है, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको एक राउंड में गोला बना लेना है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, इसे कट कर लेना है राउंड शेप में। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से सीजर से इसे गोल गोल काट लेंगे। और गोल काटने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपको इस किस प्रकार से आपको जोड़ना है इसे, वो मैं आपको सारी बातें बताएंगे। देखिए, यहाँ मैं सीजर का प्रयोग कर रहा हूँ, आप चाहो जिसका प्रयोग कर सकते हो। इस तरीके से आपको बिल्कुल गोल काटना है, बिल्कुल आपकी शेप टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, जिससे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जो ये शेप है अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो आप इसमें ऊपर जो पार्ट जोड़ेंगे तो वो सही तरीके से नहीं जुड़ पाएगा और आपका ग्रो बैग खराब हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये बिल्कुल राउंड शेप में कट कर लिया है यहाँ से। अब इसके बाद हम इसको जोड़ते हैं। देखिए, बिल्कुल गोल कट गया और ये काफ़ी स्ट्रांग भी है। जैसा आप बिल्कुल परचेस करते हो, किसी कहीं से मंगाते हो, बिल्कुल वैसा ही बनकर तैयार होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, हमने गोलाकार में एक शेप काट लिया। उसके बाद ये देखिए शेप काटा है, और मैं आपको इसे नाप के भी दिखाता हूँ। देखिए आप, बिल्कुल एकदम 14 इंच का ही है ये। देखिए आप, बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल 14 इंच का ही है। तो इसके ऊपर लगाने के लिए हमको एक पट्टी काटनी पड़ेगी, और वो पट्टी की लंबाई हम रखेंगे 16, क्योंकि ये गोल शेप में कटेगी तो उसमें लगाने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पास आ जाएगी। देखिए, इस तरीके से आपको टिक लगा लेने हैं, जिससे आप सही तरीके से कट कर पाएं। और इसी तरीके से आपको इधर से काट लेना है। ये देखिए, देखिए आपको 16 पे टिक लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, 16 इंच का आपको नाप की पट्टी काटनी है, और इस तरीके से आपको पट्टी कर लेनी है अलग, इस तरीके से। देखिए आप,
आपको एक पट्टी अलग कर लेनी है कट करके। देखिए दोस्तों, हमने ये पट्टी काटी है, जो पट्टी मैं आपको नाप बता देता हूँ, तो 16 हमने इसकी चौड़ाई काटी थी और जो लंबाई आप काट रही है वो 45 इंच काटनी है। देखिए सर, इतनी लंबी पट्टी है, क्योंकि ये जो गोल जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्किल टाइप, तो इस पर चारों तरफ से ये जब लगेगी तो आपको लगाने के लिए इस तरीके से 45 इंच ही काटनी है, क्योंकि इस तरीके से आपको ये खड़ी करके लगानी है, तो 45 इंच की आपको लंबाई काट लेनी है इस बोरी की, उसके बाद हम इसे सिलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, उसके बाद आप जो हमने ये पट्टी काटी है, इस पट्टी को हम ऊपर से इस तरीके से 1 इंच के समथिंग मोड़ देंगे। ये देखिए 1 इंच में हम मोड़ देंगे, क्योंकि इस मोड़ में हम कुछ डाल देंगे लकड़ी वगैरह, जिससे आप ग्रोबैग उठाने में बड़ी आसानी रहेगी। तो इसके बाद इसे हम सिल लेते हैं। चलिए, तो उतना ही आपको 1 इंच में, जैसे कि आप पजामे में नाड़ा डालते हैं, उसी तरीके से आपको इसकी घोट बना देनी है। इस तरीके से हम इसे सिल देंगे। तो देखिए दोस्तों, घोट सिलने के बाद आपको, हमने ये ऊपर घोट सिल दी है इसकी, इस तरीके से गोल गोल चारों तरफ, और उसके बाद आपको ये यहाँ पर एक जॉइंट कर लेना है, इसे आप जोड़ लेना है, गोल ये मतलब एक सर्कल टाइप में हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से ये गोल बन गया है, ये सर्कल टाइप में, आपको इसी तरीके से सर्कल टाइप में कर लेना है। उसके बाद हम उस जो गोल सर्कल हमने काटा था उस पर हम जोड़ते हैं इसे। चलिए कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, अब इस तरीके से हमने दोनों कर लिए साथ साथ, और अब इस तरीके से आपको इसमें ये अंदर रख के और इसे सिल लेना है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से सिल सकते हैं इसे और बना सकते हैं, काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है। इस तरीके से आपको देखिए गोल गोल सिल लेना है चारों तरफ। तो देखिए दोस्तों, एक बार सिलने के बाद आपको ये है जो डबल कर लेनी है, क्योंकि ये थोड़ा खिंचाव नहीं मानेगी, तो यहाँ से अलग नहीं होगा ये सर्कल। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है डबल। ये देखिए, और देखिए हमारा जो ग्रोवर है वो बन चुका है, और अभी मैं इसमें आपको सोयल मिक्सर भर के दिखाऊंगा, और इसमें ऊपर एक पकड़ने के लिए हैंडल भी लगाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखते रहिए, इस तरीके से आपको ये कर देना है, राउंड 2 बार कर देना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, हमारा ग्रो बैग बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और मजबूती में तो आप पूछिए मत, मजबूती में एकदम स्ट्रांग है। इसमें आप कई बार वेजिटेबल उगाकर हार्वेस्ट भी कर सकते हो कई बार। देखिए बिल्कुल, ये आप देख सकते हो। अब इसमें हम ऊपर लगाएंगे एक डंडा, जिसे पकड़ने के लिए उठाने के लिए आसानी रहे। तो चलिए कैसे लगाते हैं देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक लकड़ी ली हुई है, ये बांस की लकड़ी है। आप यहाँ पर किसी तार का भी प्रयोग कर सकते हो, अगर आपके पास कोई तार है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर ये मैं बांस की लकड़ी डालूंगा इसमें। देखिए किस प्रकार डालते हैं, ये देखिए। देखिए यहाँ पर जो हमने नाड़ी जैसा एक बनाया था घोट सी, तो उसी में डाल रहे हैं हम। देखिए इस तरीके से आपको डाल देनी है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें एक छड़ी फांस ली है बांस की, और देखिए हमारा पूरा बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हो। ये देखिए देखिए देखिए, और बिल्कुल पूरी तरीके से ये गोल हो गया है लकड़ी डालने की वजह से। और अब हम इसमें आपको दिखाता हूँ सोयल मिक्सर भर के। देखिए, तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें सोयल मिक्सर भर लिया, आप देख सकते हो। अगर हम इसमें कुछ लगाएंगे तब सोयल मिक्सर ऊपर तक भर लेंगे, और आप इस तरीके से, जैसे देखिए इसमें छड़ी मैंने फांसी है इसमें, तो उस छड़ी को पकड़ के आप इस तरीके से उठा सकते हो उसे। देखिए बड़े आसानी से उठ रहा है ये देखिए। तो आप इस तरीके से ग्रो बैग घर पर बना सकते हैं। तो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।